यहाँ अंधेरे में बैठ के क्या कर रहे हो? चलो अवार्ड फंक्शन के लिए लेट हो रहा है। अर्जुन अगर इस तरह अंधेरे में बैठे रहोगे, अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं ना, आई एम श्योर हम कामयाब भी होंगे। घर से बाहर निकलो, चार लोगों से मिलोगे, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। चलो रेडी हो जाओ और प्लीज इस तरह अंधेरे में मत बैठो। तुम उसे सच में जिंदगी से दूर करना चाहते हो तो तुम्हारे पास एक यही रास्ता है, घर से बाहर निकलो, मेरे खातिर कम से कम बहुत फंक्शन में चलो प्लीज। मैम ऑल स्टाफ इज हियर, बुलाऊं सबको? आई एम श्योर आपको थोड़ा टाइम लगेगा तैयार होने में, 8 बजे तक आपको अवार्ड फंक्शन में पहुंचना है। ऋषभ सर हमें डायरेक्टली वहां मिलेंगे। ऐसा क्यों? एक ही घर के दो बेटे हैं, तुम्हारे भाई का कमरा इतना बड़ा है और तुम्हारा उससे आधा भी नहीं है। यू नो व्हाट, मैं इतने छोटे कमरे में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी। हेलो, क्या प्रॉब्लम है मेरे रूम में? प्रॉब्लम? एक तो तुम्हारा कमरा इतना छोटा है, ऊपर से मुझे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। एंड यू नो व्हाट, ऐसा लगता है कि इस घर में हमारी कोई कीमत ही नहीं है। माना कि हम छोटे हैं लेकिन है तो हम इस घर के बहू बेटे ही ना। आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे भाई की तरह एक बड़ा कमरा चाहिए। कितने नखरे हैं यार तुम्हारे, नहीं रहना मत रहो। अरुण क्या रुके? एक्सक्यूज मी, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? ऐसे मांगा ही क्या मैंने तुमसे? एक बड़ा सा कमरा और तुम उतना भी नहीं मैनेज कर सकते हो? मुझे नहीं पता कि तुम इतने छोटे कमरे में कैसे रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारे भाई की तरह एक बड़ा कमरा चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट बोला। तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? एकदम करेक्ट तो बोल रही थी तुमरी। अब क्यों ले रही? हां भाई, और तुम्हें सारा से भी अकल नहीं? अपने होने वाली वाइफ से कैसे बात करनी चाहिए कुछ मुझसे ही सीख लो कि मैं आना से कैसे बात करता हूं। और अब तुम की मेरी, हाँ भाई, तुम इसका दिमाग क्यों खा रही? ऐसे इतना सा दिमाग है, अगर तुम खा जाओगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुम्हें रूम चाहिए ना, मुझे आके बोलो, मेरा रूम ले लो। मैं फरहाना रौनक के लिए सुन वाली बात है, इतने लंबे चौड़े हो गए लेकिन अक्ल तुम्हारी अभी भी नीचे ही है। ब्रो ये सब मत बोलो ठीक है, बड़ा हो गया हूं मैं। हाँ पता है पता है, बस लंबे बेवकूफ हो गए। तो पता है जब एक लड़की अपना मायका छोड़ के ससुराल आती है तो उसका फर्ज होता है कि वो अपने पति के घर को अपना ले, अपना बना ले और अपने पति को सारी खुशियां दे। लेकिन हम पतियों को भी तो कुछ फर्ज होता है ना, वो फर्ज तुम्हें निभाना चाहिए कि अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा खुश रखे। और अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो एक पति का फर्ज निभाओ, अपने होने वाली बीवी को वो सारी खुशियां दो जो वो डिजर्व करती है, उसको होमली फील करा, समझे? जी, गुड बॉय। अब अगर उसको बड़ा कमरा चाहिए तो उसको बड़ा कमरा दो। तुम इसको छोड़ो, तुम्हें रूम चाहिए ना, मैं देता हूं रूम, ये तो पागल है। आओ तुम्हें रूम दिखाता हूं। कम तुमसे अच्छा तो तुम्हारा पागल भाई है। हाँ तो जाओ देख लो ना फिर अकेले। आओ आओ, ये रूम का एंट्रेंस है, इसी से अंदर आते हैं उसी से बाहर जाते हैं। और ये मेरा रूम, ये बेड, ये टीवी और यहाँ पे बालकनी जहाँ बैठ के हम सनसेट देखते हैं। और रौनक के रूम से सनराइज होता है ना, लेकिन सनसेट ज्यादा रोमांटिक होता है। दोनों यहाँ बैठोगे बहुत मजा आएगा तुम्हें। एंड वास्तु के हिसाब से बना हुआ है सब कुछ तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब सनराइज होता है तो वहां से धूप आती है सीधा, है ना? हम अपना रूम रौनक और किन्नरी को दे रहे। ओके सर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ रहोगी तो आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही नहीं, नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जब नरेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मुझे भी क्या प्रॉब्लम होगी? अब एक्चुअली वो क्या है ना, शादी के बाद मेरा बहुत सारा सामान होगा एंड आई जस्ट नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्पेस। हाँ मैं समझ सकती हूँ, और वैसे भी ये कमरा बहुत बड़ा है, यहाँ तुम्हें अपनी चीजें रखने के लिए आराम से अच्छे से जगह मिलेगी। सारी जगह तो तुम यूज कर सकती हो। बट आई होप आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा ना हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और वैसे भी सच कहूँ तो मैं जिस घर से आई हूँ ना उसके मुकाबले यहाँ का हर कमरा एकदम महल जैसा है, तो मैं कहीं भी रहूँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर नरेंद्र सर अपना इतना बड़ा कमरा छोड़ के कहीं और जा सकते हैं तो मैं उनके साथ कहीं भी चली जाऊंगी। थैंक यू। और ये कमरा मैं अपने भाई को नहीं दे रहा, रौनक तो बेवकूफ,
अपनी होने वाली वेनी को दे। एक्चुअली एक्चुअली उस रौनक को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल का काम है। ये कर रही है तो इसे बड़े कमरे की जरूरत होगी ना। असल में पागल मैं नहीं हूँ, पागल वो खुद है। भागता रहेगा पूरे कमरे में, तुम्हें भागता रहेगा, तो बड़ा कमरा चाहिए होगा ना। और इन लोगों की नई नई शादी होने वाली है ना, इन्हें बड़ा कमरा चाहिए होगा। हम तो अब पुराने हो गए, लेकिन हमारा प्यार अभी भी नया है और हमेशा नया रहेगा, और तुम दोनों से भी ज्यादा रहेगा। तो मैं एक बात बोलूं, मुझे कोई एतराज नहीं, आप जो पैसा लेंगे वो एकदम सही हो, यहाँ रहे या बाहर रहे क्या फर्क पड़ना है। That's like my Hannah. अगर ऐसे बीवी सबको मिल जाए ना तो हस्बैंड्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए। मैं डिसीजन बाद में लेता हूँ, हाना हाँ पहले बोल। अब तुम अपना सामान ले आना, नो प्रॉब्लम। हाना हम अपनी पैकिंग कर ले। हाँ सर मैं कर लेती। ओके ओके। अरे यार वो अमित बार बार कह रहा है यार, करते हैं ना एक गेट टुगेदर अपने फार्म हाउस। यस श्योर 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 या लेट्स डू इट सून। या तू रेडी है ना? हाँ। एक्सक्यूज मी गाइस, कैरी ऑन। हाँ कैरी ऑन। हेलो जी अतु, मैंने तुम्हें घर पे रुकने के लिए कहा था ना। अतु वो मैं मुझे कोई सफाई नहीं सुननी है। तुम उसे बोल, तुम जहाँ भी हो जैसे भी हो तुरंत घर चले आओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जी अतु। अच्छा मैं Sorry guys, I'll have to leave. जाना होगा मतलब? साले अभी भी तो तू आया। और अरे यार वो शादी की तैयारी है ना घर पे, सो घर से फोन आया था, they want me to क्या है? मॉम का फोन? यार तू कब से अपनी मॉम की बातों को इतना सीरियसली लेने लग गया है? जब से इसकी शादी तय हुई है। शादी से पहले इसका ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा? जोरू का गुलाम बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, अब तो हमें इसकी ना होने की आदत डालनी पड़ेगी। यार मैंने सुना था शादी के बाद लोग बदल जाते हैं, लेकिन तू बदल जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। यार तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ अब तो ये मॉम के कहने पर बैठेंगे और अपनी वाइफ के कहने पर ही उठेंगे। What is this rubbish, huh? क्या बकवास है? Guys, I'm रौनक करमरकर, okay? जो पहले था वही आज हूँ और हमेशा वही रहूंगा। क्या दैट रियली? ऐसा लग तो नहीं रहा। तू चैलेंज कर रहा है मुझे? तुम सब चैलेंज कर रहे हो मुझे? चल यही समझ ले। That's it. ये हुई ना रौनक वाली बात। वेटर रिफिल भर दो इसे। हेलो शशांक सर। हाँ बोलो। सर मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। सर ये बहुत बड़ा होटल है सर, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं आपका बाहर जाकर वेट करूँ क्या? नहीं नहीं तुम अंदर बैठो आराम से, मेरा काम बस खत्म होने वाला है, मैं आ ही रहा हूँ। सर लेकिन मुझे बहुत अजीब लग रहा है। अरे अजीब क्यों लग रहा है, तुम शॉपिंग करके आई हो, थक गई होगी, तुम अंदर ही बैठो मैं बस आ ही रहा हूँ। ठीक है सर, पर प्लीज आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, मुझे अकेले नहीं रहना है यहाँ पर। ओके ओके बस बस मैं आ रहा हूँ, पाँच मिनट। जी ए हेलो क्या हो रहा है? कंट्रोल डूड कंट्रोल, शादी होने वाली है। हुई तो नहीं है अभी। अभी मेरे पास पूरा लाइसेंस है फ्लर्ट करने का, ठीक है? यार वो लड़की देख रहे हो? ओह नाइस गर्ल। यही तो मेरा प्रॉब्लम है यार, इतनी सुंदर लड़की देखता हूँ ना तो उससे बात करे बिना रहा ही नहीं जाता। तू जानता है उसे? रौनक करमरकर किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ओके आज मैं कहीं खड़ा हो जाऊँ ना तो चार पांच मिनट तो कोई भी लड़की बात कर लेगी। बस सिर्फ तीन चार मिनट? 15 कर ले। फालतू का पंगा मत ले रौनक, वो तेरे टाइप की नहीं है। नहीं है तो बना लेंगे इसे अपने टाइप का। बेट करते हैं कि अगर मैंने इस लड़की से बात कर ली तो तुम सब मुझे 10-10 हजार रुपए दोगे, और अगर नहीं कर पाया हल शेड आउट 1 लाख हार्ड कैश। ओके डन डन डील, जस्ट वेट एंड वॉच नाउ। यहाँ क्या कर रही हो मानसी? किसका वेट कर रही हो? अपने होने वाले पति का। ओह यू नो मुझे वो लोग बहुत ही
बहुत ही बेकार लगते हैं जो लोग अपनी इतनी सुंदर फियांसे को वेट करवाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शशांक नहीं तो मैं सही। आई मीन ऐसी जगह पे तो तुम पहले कभी आई भी नहीं होगी, राइट? ऑकवर्ड फील कर रही होगी ना, सो आई थॉट मैं दे देता हूँ तुम्हें कंपनी। बाय द वे मैं भी यहाँ किसी का वेट ही कर रहा था। ओह शॉपिंग, हाँ शादी की शॉपिंग शुरू कर दी तुमने? हाँ। ग्रेट, कहाँ से खरीदा ये सब? हम श्योर किसी सस्ती मिडिल क्लास स्टोर से खरीदा होगा, राइट? क्योंकि किसी बड़े और अच्छे स्टोर से खरीदने की ना तुम्हारी हैसियत है और ना शशांक की औकात। आई वांट टू टेल यू वन थिंग वांसी, जो तुम डिजर्व करती हो ना शशांक तुम्हें कभी नहीं दे सकता, लेकिन मैं जरूर दे सकता हूँ। आफ्टरऑल तुम मेरी बहनी की बहन हो। इट्स माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ योर ब्यूटी स्वीटहार्ट। और वैसे भी जब से तुम्हारी शादी की बात चली है ना, क्या रंग निखर के आया है यार। इस निखार का ध्यान तो सिर्फ मेरे जैसा लड़का ही रख सकता है। That's it. अगर ये ताई का देवर ना होता ना तो मैं इसे रिलैक्स मानसी, रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, इसको जो बोलना है बोलने दे, जस्ट इग्नोर हिम। अपने अपने पैसे बाहर निकाल लो गाइस, 10 मिनट तो पूरे कर लिए पट्टे ने। हाँ यार इतनी देर से बातें हो रही है, लगता है काम हो गया। वैसे मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई। मुझे फोन? लुक एट यू, ऐसा रिएक्शन क्यों दे रही हो कि जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, सो आई थॉट मैं तुम्हें कोई बहुत अच्छा तुम्हारे मन पसंद का गिफ्ट दूंगा, ऐसा गिफ्ट जो तुम और शशांक हमेशा याद रखो, जिसको देख के तुम मुझे अपने पास महसूस करो, बहुत पास। शादी की पहली रात तुम्हारे बाहों में तो शशांक हो, लेकिन दिल में सिर्फ मैं। समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुम जैसा वाहियात और जाहिल इंसान आज तक मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा रौनक, लेकिन तुम्हारी औकात ही नहीं कि तुमसे कोई लड़की ढंग से बात कर सके। शट अप, आज के बाद तुम मुझसे दूर ही रहना, और अगर फिर से तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बच गए 10,000, और जो लाख कमाए सो अलग। आई फील सो सॉरी फॉर यू अंकिता, मतलब पहले तुम्हें खुद से माफी मांगनी पड़ी, फिर मेरी मॉम से, और अब ये कमरा भी छोड़ना पड़ा। अब तक तो मैं इस घर में आई भी नहीं हूं और तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ रहा है। जब मैं आ जाऊंगी तभी पता नहीं क्या क्या। पर अंकिता एक बात मुझे सच बताना, क्या तुम्हें अंदर से अनइजी नहीं फील होता? आई मीन कहीं तुम्हें डर तो नहीं लगता? किस बात का किन्नरी? कि मैं शादी होकर इस घर में आ जाऊंगी और मैं इस घर की लाडली बन जाऊंगी, फिर तुम्हारी पोजीशन और खतरे में आ जाएगी। किन्नरी शादी के बाद नरेन से छोटे और रौनक बड़ा हो जाएगा। मतलब? किन्नरी रिस्पेक्ट और पोजीशन एक्चुअली या तो उम्र की वजह से मिलती है या तो आप में इतनी काबिलियत होती है, और इन दोनों मामलों नरेन से रौनक से कहीं ज्यादा आगे। और जहां तक मेरी पोजीशन और मेरी रिस्पेक्ट का सवाल है किन्नरी, तो चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम मेरी जगह नहीं आ सकती। पता है क्यों? क्योंकि मैं नरेन सर की वाइफ। और जहां तक इस कमरे की बात है किन्नरी, मैं यहां बहुत कंफर्टेबल हूं क्योंकि मुझे इतने बड़े बड़े रूम्स की आदत है ही नहीं, और मेरे लिए कमरा बड़ा होना छोटा होना ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, जितना कि मायने ये रखता है जो मेरे साथ है उसका दिल कितना बड़ा है। और मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है, वो तो तुम देख ही चुकी हो ना। तुमने एक मांग की और नरेन सर ने बिना सोचे बिना पूछे अपना कमरा तुम्हें दे दिया, क्योंकि वो अपने भाई और बहनी के बारे में बहुत सोचते हैं। अब बहुत चीजें तुम पर डिपेंड करती है किन्नरी, कि तुम भी उनकी खुशियों के बारे में सोचो, उनके बारे में सोचो। किन्नरी जितना बड़ा तुम्हारा कमरा है ना, अगर उतनी बड़ी अपनी सोच बनाओगी ना तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगे। कुछ दिनों बाद तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम इस घर में बहू बनकर आओगी, तुम्हें थोड़ा वक्त लगेगा यहाँ एडजस्ट करने में। मुझे भी लगा था, तब मुझे कोई संभालने वाला नहीं था, लेकिन मैं हूं तुम्हारे लिए। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो
अपनी बहन समझकर मेरे पास आ जाना। मुझे पता है कि हमारी शुरुआत थोड़ी सी गलत हुई, लेकिन अगर हम चाहे तो। मॉम ठीक कहती थी, यू आर सच अ स्मार्ट कुकी एंड अ वेरी स्वीट टॉकर। जब तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ी तब तुम्हें यह रियलाइज हुआ कि तुम्हारी इस घर में क्या पोजिशन है और मेरी क्या है। इसलिए तुम महान बने का और बड़ी बहन बने का नाटक कर रही हो ना। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर तुम स्मार्ट हो ना तो मैं तुमसे डबल स्मार्ट हूं। और हां, ये बात अच्छे से याद रखना। हेलो मिस्टर अर्जुन, आप भी नॉमिनेट हुए हैं इस अवार्ड के लिए। क्या लगता है आपको, आप जीतेंगे ये अवार्ड? वेल आई होप कि अवार्ड मुझे मिले। अवार्ड्स किसे अच्छे नहीं लगते, एवरीबॉडी लाइक्स इट। वेल आई बिलीव कि इस साल कुछ अच्छे कंटेंडर्स हैं। ऋषभ कपूर, ही इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स। वेल यू आर करेक्ट मिस्टर अर्जुन, ऋषभ कपूर आज के अवार्ड फंक्शन के सबसे बड़े अट्रैक्शन हैं। वैसे तो आज तक उन्होंने काफी अवार्ड्स जीते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वो कोई अवार्ड फंक्शन अटेंड करने वाले हैं। वेल यस, या एनी गेसेस मिस्टर अर्जुन, आई मीन आज ऐसी क्या खास वजह है जो वो खुद अवार्ड फंक्शन अटेंड करने आने वाले हैं? हाउ डू आई नो, आई थिंक ये सवाल आपको ऋषभ कपूर से पूछना चाहिए। I don't really have an idea, but I'm glad कि वो आ रहे, because हमारे award functions की शान बढ़ती है। अरे मिस पूर्वी देशमुख। वेल मिस्टर अर्जुन, मिस पूर्वी आपकी बिजनेस पार्टनर है, राइट? लगता है वो आपको सपोर्ट करने आई हैं। आई एम ग्लैड, आई जस्ट आई सी हर थैंक यू। ओवी, पूर्वी यहाँ क्या कर रही है? आई मीन टू से कि वो, मुझे लगा कि वो कनाडा चली गई है। तो अर्जुन, तुम्हारे साथ यहाँ इतना कुछ हो रहा था, तुम्हें अकेला छोड़ के कैसे जाती वो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि क्यों तुम दोनों इतना नाटक कर रहे हो। दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पर सब दिखता है अर्जुन कि तुम दोनों को एक दूसरे की कितनी जरूरत है। तुम दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हो। ओवी, मुझे बस इतना बताओ कि पूर्वी को मेरे बारे में कुछ पता तो नहीं है ना? नहीं, एक्सक्यूज मी। छोटा है ना तो इसलिए। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं उठाता, टेंशन मत लो तुम, ओके? सब मैं कर रही हूँ। सर सर, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, मैं कर दूंगा। मेरा कमरा है, मेरी बुक्स है, मेरी आना है। तुम जाओ, मैं कर लूंगा। मैंने कहा तुम जाओ, टेंशन मत लो, मैं कर लूंगा, जाओ। मैं करता हूँ, इसलिए छोटा रूम है ना, इसलिए। सर लेकिन मेरे पति का दिल बहुत बड़ा है। मतलब? कुछ नहीं। एक्चुअली जब मैं टकराया था ना तो फिर से करंट लगा।